जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह है रुड़की से लगे हुए रामपुर गांव की तस्वीरें हैं। रामपुर गांव जो रुड़की से देहरादून जाने वाले रास्ते पर बसा हुआ है, यह वहां की तस्वीरें हैं जहां पर असामाजिक तत्वों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। लाल तीर का निशान दिखा रहा है इन अवैध कब्जों को। जी हाँ, ये रास्ते की जमीन है, सरकारी जमीन, सरकारी रास्ता है और असामाजिक तत्वों ने इस पर कब्जा कर लिया है। लाल तीर से जो हम आपको दिखा रहे हैं वो एक शौचालय बना हुआ है, यानी कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जिन्होंने शौचालय अपने घर में ना बनाकर गली की जमीन पर बनाया है, सरकारी जमीन पर बनाया हुआ है और अवैध कब्जा कर लिया है। रामपुर गांव में रहने वाले इनाम पुत्र मकसूद ने यह सरकारी रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से शौचालय बनाकर कब्जा किया हुआ है। शौचालय के अलावा दूसरी जगह पर आप देख सकते हैं अपने घर का सामान रखकर रास्ते को तंग कर दिया है, यानी रास्ता छोटा कर दिया है, जिससे कि पास पड़ोस में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी टीम को बताया गया कि इससे पहले भी इनाम पुत्र मकसूद ने जानवर बांधने के लिए इस रास्ते की जमीन पर निर्माण कर लिया था, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों ने आकर हटवाया था, लेकिन यह असामाजिक तत्व फिर भी नहीं मानते। उसके कुछ समय बाद से फिर इनाम ने उसी जगह पर अपना घर का ईंट पत्थर मलबा आदि डाल दिया है और रास्ते को तंग कर दिया है। जब पड़ोसी इस पर एतराज़ करते हैं तो ये असामाजिक तत्व इनाम आदि पड़ोसियों के साथ गाली गलौज और बदतमीजी करते हैं। आपको कुछ तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरह से इस गली में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स को उखाड़ा जा रहा है। ये इंटरलॉकिंग टाइल्स उखाड़ कर अपने इस्तेमाल में ले ली गई इन असामाजिक तत्वों द्वारा और यहाँ पर मलबा आदि डाल दिया गया, यानी एक तरह से ये भी इनका कब्जा हो गया है। आस पड़ोस के रहने वाले लोग इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि इनाम के पास कुछ ऐसे लोगों का आना जाना है जो गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हैं। कौन हैं ये लोग जो गैर कानूनी कार्य करते हैं और किसी की सुनते भी नहीं, इस पर अधिकारियों को ध्यान देना होगा और इस अवैध कब्जे को हटवाना होगा। पूर्व में भी इनाम के खिलाफ जो एप्लीकेशन दी गई तो प्रशासनिक अधिकारियों ने आकर देखा तो उन्होंने उस एप्लीकेशन में, पूर्व में भी जब इनाम ने कुछ इस तरह के अवैध कब्जे किए तो प्रशासनिक अधिकारियों को लिखा गया तो उन्होंने आकर वो अवैध कब्जा हटवा दिया था। लेकिन इसके बावजूद फिर से इनाम ने यहाँ अपने ईंट पत्थर मलबा आदि डालकर कब्जा कर लिया है।